उतना आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या इसमें मुद्दे हैं और आगे आप क्या करने वाले हैं, क्या घोषणा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप? देखिए आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली नगर निगम के चुनाव का हमारा मुद्दा है और चुनाव सर्जन जो हमारी पार्टी का नाम है सर्जन विकास के, उनको पूरी सारी जनता को समस्या का समाधान, उनकी संपूर्ण समस्या का समाधान है। कितनी सीटों से आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम के? हम दिल्ली की मैक्सिमम 272 सीटों पर, जहाँ से भी हम लोगों को योग्य उम्मीदवार मिलेंगे उन पर, कैंडिडेट मिलेंगे उन पर सब पे खड़ा। अभी क्या क्या तैयारियाँ आपकी हो चुकी हैं चुनाव के लिए, कितने लोग खड़े कर दिए आपने? देखिए अभी हम लोगों का चयन चल रहा है, जो भी योग्य उम्मीदवार है उनके नाम की लिस्ट बन रही है। उम्मीदवारों को आपकी तरफ से क्या सुविधाएं दी जाएंगी? उम्मीदवारों को, उम्मीदवार जो योग और सक्षम होगा उन्हीं को हम लोग, योग और सक्षम उम्मीदवार तो निर्दलीय भी लड़ सकता, आपकी तरफ से ऐसा क्या होगा कि वो आपकी पार्टी से जुड़े? हमारी पार्टी का जो भी विचारधारा होगी उससे उसको समझना होगा, उसको पूरा उसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग एक आयोजन रखेंगे और उससे पहले जो उनकी हमारी तरफ से तैयारी होगी उसको, जो हमारा एक क्रिएटिव, जो समाज का एक क्रिएटिव वर्ग है, विश्वकर्मा वर्ग है और जो एक किसान कामगार और कर्मकार का वर्ग है, वो उनको सबको समर्थन देने के लिए उसको आश्वासन होगा। महेंद्र कुमार जी, एमसीडी में जो समस्याएं अभी हैं, सैलरी की समस्याएं हैं, काम तो कर्मचारी कर रहे हैं लेकिन समस्याएं बहुत हैं, सैलरी की सबसे बड़ी समस्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे दूर करेंगे, कैसे उन कर्मचारियों के बीच में आप जाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है और ये पहले से आपको पता है यहाँ पर है और वो लड़ेगी चुनाव, तो आप कैसे बीच में? आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है, उन्होंने दिल्ली में पैरेलल जो है ना संस्थाएं खड़ी की हैं, जैसे सिविल डिफेंस है, जैसे बसों में जो है ना वो मार्शल छोड़ रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सारी जो वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके चल रहे हैं, तो उनको ख़त्म करेंगे और वो हम जो ना हमारा ध्यान सीधा जो ना अपने एम्प्लॉय पर होगा। जो 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 एक जो सही सुविधा होनी चाहिए, जो सही रास्ता, उसको लोग बाग मैनिपुलेट करके रास्ते निकाले जो जा रहे हैं वो उसको हम रोकेंगे। आज जो भी अपराध की दुनिया हो, चाहे वो रिश्वतखोरी की दुनिया हो, लूट हत्या डकैती, ये हो क्या एक तो ये केवल उसकी जनता की अपनी समस्याओं को खुद समाधान निकालने की, लेकिन सरकारें क्या हैं, सरकारें उधर से आंखें बूंदे बैठी हैं, जनता की हर समस्या का समाधान वो तत्पर और पूरा एक उसको सूक्ष्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारी, यानी उसकी हर पहलू पर विचार करके उसका संपूर्ण समाधान। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आने वाले चुनाव के लिए क्या अपील दिल्ली वासियों से आप करना चाहेंगे? दिल्ली वासियों से कहें कि आपके बाद आप वोट ऐसे लोगों के झूठे आश्वासन पर ना दें, आप ये समझ के उनको दें जो आपके सही संपूर्ण समस्याओं के समाधान की एक, और जो आपके